सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से पिछड़े वर्ग को हुआ लाभ, चार राज्यों के राज्यपालों ने की शाह से मुलाकात, EVM की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से पिछड़े वर्ग को हुआ लाभ। भाजपा ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए, जिनका सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को हुआ है। पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए यह आरोप भी लगाया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है, जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, बहुआयामी सुधारों के कारण शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ। आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को छोड़कर हर सरकार में शिक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज किया था, लेकिन मोदी सरकार में इसे प्रमुखता दी गई। सूर्या के अनुसार पहले की सरकारों के समय ऐसे पाठ्यक्रम थे जिनके कारण मानव संसाधन की गुणवत्ता कम रही। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। चार राज्यों के राज्यपालों ने की शाह से मुलाकात। राजस्थान, नागालैंड, मेघालय और गोवा के राज्यपालों ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, नागालैंड के राज्यपाल गणेशन, मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने अमित शाह से मुलाकात की। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। EVM की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रोडमल नगर के चुनाव चुनौती देने वाली याचिका पंडागर के साथ ही निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। यह याचिका राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दायर की है, जिन्हें हम चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नगर के हाथों अपने सिंह ने इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हृदेश ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग और नागर को बुधवार को नोटिस जारी किया। एकल पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सिंह ने अपनी इस याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि नागर के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए। साथ ही यह अनुरोध भी किया है कि इस क्षेत्र में हुए चुनाव के पूरे रिकॉर्ड के साथ ही EVM प्रणाली से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी आयोग से तलब की जाए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई टुडे से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।